इस समय मैं ग्राम सभा बहादुरपुर के टड़िया अरसदपुर गांव में मौजूद हूँ, जहां पर नन्हे पासी की कल सुबह लगभग 5 बजे मुंबई में मौत हो गई। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपको बताते चले कि ग्राम सभा बहादुरपुर के टड़िया गांव निवासी नन्हे पासी उम्र लगभग 24 वर्षीय जायस कस्बे में जनसुविधा केंद्र की दुकान चलाते थे। नन्हे पासी 18 अगस्त को अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी अचानक से पेट में दर्द उठा, जिसके बाद नन्हे पासी के परिजनों ने नन्हे पासी को इलाज के लिए रायबरेली प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने नन्हे पासी का हल्का फुल्का इलाज किया, लेकिन हालत में सुधार न आने से डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर किया। जा पर लगभग 3 दिनों तक नन्हे पासी का इलाज चला, उसके बाद भी नन्हे पासी की हालत में सुधार न आने से लखनऊ के डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और मरीज को मुंबई ले जाने का सलाह दिया, जिसके बाद परिजनों ने नन्हे पासी को मुंबई के ग्लोबल हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने नन्हे पासी का इलाज करने के लिए तो तैयार हो गए, पर इलाज खर्च लगभग 35 से 40 लाख रुपए तक का बताया, जिसके बाद परिजनों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। लेकिन परिजनों ने हार नहीं मानी, इलाज करने के लिए चंदा मांगने की ठान ली, खेती बेच दी, रिश्तेदारों से कर्ज लिया और फिर चंदा इकट्ठा करने में जुट गए। सोशल मीडिया व ई रिक्शा व लोगों के घर जा जाकर लोगों से मदद की गुहार लगाई और लोगों ने भी खूब दरिया दिली भी दिखाई और लोगों ने नन्हे पासी की मदद भी की, लेकिन नन्हे पासी की जान नहीं बच पाई। नन्हे पासी ने कल अपने चाहने वालों को अलविदा कहते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे रोने वालों छोड़ दिया। हमारे साथ हैं बहादुरपुर के प्रधान जी, प्रधान प्रतिनिधि हैं आप, आलोक कुमार जी। तो हमें ये बताइए कि जो ये ग्राम सभा कौन सा है, ये बहादुरपुर, तो ये जो नन्हे पासवान थे जिनका कल सुबह निधन हो गया, क्या बीमारी थी उनका? संस्कार हुआ है उनको, बीमारी पेट में आंत की बीमारी थी जी, जो इसे लखनऊ हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा शुरू में जी, क्योंकि हाथ को काट दिया गया था कि सड़न पैदा हो गई थी इस कारण से जी। वहाँ से फिर ये होगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसको बॉम्बे ले जाया गया ग्लोबल हॉस्पिटल में, इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा गया जी। लेकिन पैसे उसने ज्यादा हो मतलब मांगने के कारण तो ये हुआ कि इलाज तो नहीं करा पाएंगे। तो अच्छा। हमारे यहाँ ग्राम सभा बहादुरपुर आसपास के जो ग्राम सभा बहादुरपुर जितने हर एक गांव, हर एक गरीब से लेकर अमीर आदमी ने इनकी मदद किया गया, इनकी जी जी ठीक है, पूरा मतलब हर एक घर मदद किया, लेकिन हम लोग इनको बचा नहीं पाया। क्या बता रहे थे, कितना खर्चा बता रहे थे वहाँ पे डॉक्टर? लगभग 35 से 40 हज़ार, 40 लाख, 40 लाख रुपए, 35 से 40 लाख बता रहा है। तो यहाँ के गांव वालों ने भी, हमने देखा है, रावली न्यूज ने भी आवाज़ उठाई थी उसकी, और भी बहुत सारे समाचार चैनल हैं जिन्होंने इनकी आवाज़ उठाई थी चंदा के लिए जी। तो मतलब वहाँ पर हम ये देखे हैं कि जितने गांव के हमारे हैं गरीब से अमीर लोग जी, ये सब मदद किए हैं, लेकिन कोई बड़ा राजनेता यहाँ नहीं आया, सरकारी मदद नहीं मिली, कोई राजनेता बड़ा आया, ना सांसद ना विधायक, हमारे माननीय सांसद जी और माननीय जो है स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय विधायक जी यहाँ के विधानसभा के हैं तिलोई के, स्वास्थ्य मंत्री हो करके एक गरीब लड़का जो है इतना परेशान हुआ जी, कम से कम हम कह रहे हैं जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कहने का मकसद यह है कि कम से कम कोई भी गरीब परिवार या कोई भी अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो कम से कम कुछ कुछ भी आर्थिक सहायता अगर मिल जाए तो उसका एक हौसला अफजाई हो जाए, बाकी जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसी बात को हमको शर्म आती है कि सब कुछ ऊपर से नीचे तक सरकार है, कोई के कान में जूं तक नहीं रहेंगी, इतना परेशान हुआ अगले उसके परिवार वाले, गांव वाले, प्रधान जी, जहां जो भी है, हर तबके के लोग, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ होकर के, लेकिन कोई भी सुविधा, कोई जानकारी और ना कोई सहायता नहीं मिली। अच्छा, वहां पे कुछ डेट वगैरह दिए हुए थे कि ऑपरेशन होना है, तो वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पैसे का अभाव से क्या? नहीं, ऑपरेशन पहली बात इनको जो ऑर्गन चाहिए था वो उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा था। अच्छा अच्छा, जब उपलब्ध हुआ तो उसमें काफी समय लग गया। अच्छा, बहुत समय बीत गया, काफी समय बीत गया, और पैसे की तो जैसे तैसे हम लोगों ने मदद की ही थी, हम लोगों ने इकट्ठा किया था, काफी सफल भी रहा हम लोगों का जी जी, मतलब चंदा लगाना जी जी, लेकिन अगर कोई बड़ा राजनेता आ जाता तो शायद इनकी जान बच जाती। टाइम
बच पाता, टाइम बच पाता, समय के साथ। और ये हम सुन रहे हैं कि ये युवा जो है इतना लोकप्रिय था। जी बिल्कुल, साक्षी है कि आज इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कैसा व्यवहार था उनको? बहुत अच्छा व्यवहार था। मैंने उसको बहुत नजदीक, हमारे साथ बैठता था वो, बहुत अच्छे से उसको मैं जानता था, वो मुझे जानता था, हम लोग बैठते थे साथ में। मतलब अमूमन हमने ये देखा है कि पूरा ग्राम सभा जो आपका है वो रिक्शा करके उसके लिए भीख मांग रहा था। हाँ, रिक्शा करके अलाउंस किया गया। जी जी जी, उसमें बहुत सारे लोग थे जो मतलब गए, शाम तक अलाउंस किया जाता था जी। और हर गांव से उसको चंदा भी मिला। जी जी जी, तो मतलब वो काफी अच्छा और बिल्कुल व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। ठीक है, धन्यवाद।